अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो फिर आप कैफे कॉफी डे तो जरूर गए होंगे। जी हाँ, वही कैफे कॉफी डे या CCD, जहाँ क्लासिक कैपेचिनो, फिल्टर कॉफी और आई ओपनर एस्प्रेसो जैसी दूसरी कॉफी की चुस्कियाँ आप मजे से लेते हैं। आज नोदिस के वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो CCD के ब्रांड बनने की कहानी है। कैसे CCD के मालिक VG सिद्धार्थ के सुसाइड कर लेने के बाद उनकी पत्नी मालविका ने CCD जैसी कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी को संभाला, जो कई लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बस ये सब जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। दरअसल देश में बढ़ते कॉफी कल्चर को देखते हुए साल 1996 में कर्नाटक के रहने वाले VG सिद्धार्थ ने इसकी शुरुआत की थी। कॉफी शॉप की ये चेन अच्छी चल पड़ी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर कई सारे उतार चढ़ावों के बीच कंपनी कर्ज में डूबती चली गई और फिर एक और बुरी खबर आई। खबर थी कि कंपनी के फाउंडर और CEO VG सिद्धार्थ ने खुदकुशी कर ली। 7,000 करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी, पति की मौत का सदमा, ये दोनों बातें मालविका के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उन्हें खुद को और कंपनी दोनों को संभालना था। सिद्धार्थ की मौत के एक साल बाद 31 दिसंबर 2020 को कंपनी के CEO पद की कमान मालविका हेगड़े के हाथों में आई। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि CCD के खोए हुए रुतबे को फिर से वापस लाना है। साल 2019 में कंपनी पर 6500 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें कुछ कर्ज सिद्धार्थ ने खत्म किए थे, अब बाकी कर्ज चुकाने और कंपनी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मालविका के कंधे पर थी। कर्ज किसी भी कंपनी की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा होता है। मालविका हेगड़े की मेहनत और लगन से कंपनी पर अब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ही रह गया है। हाल ही में कंपनी के शेयर में 50% का इजाफा भी दर्ज किया गया, जिसे कंपनी के रिवाइवल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मालविका हेगड़े कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा की बेटी हैं। उन्होंने 1991 में VG सिद्धार्थ के साथ शादी की। कैफे कॉफी डे की CEO बनने से पहले वो कई सालों तक CDEL की गैर बोर्ड सदस्य भी रही हैं। मालविका के परिवार में उनके दो बेटे ईशान और अमर्त्य हैं। पिछले साल 14 फरवरी को कांग्रेस नेता DK शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या संग अमर्त्य हेगड़े की शादी हुई है। फिलहाल CCD भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत देश के 165 शहरों में इसके 572 कैफेज हैं। वहीं कंपनी के 333 एक्सप्रेस कियोस्क भी हैं, जहां लोग रेडी टू टेक ऑर्डर खरीदते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में 36,326 वेंडिंग मशीन्स के साथ CCD भारत का सबसे बड़ा कॉफी सर्विंग ब्रांड है। कंपनी की वित्तीय स्थिति काफी सुधर गई है और आने वाले समय में कोरोना के खत्म होने के बाद इसमें और भी ज्यादा सुधार होने का दावा किया जा रहा है। इसी के साथ मालविका CCD का उद्योग जगत में प्रभाव फिर से कायम करने में सफल हो रही हैं। उनका लक्ष्य सारे कर्ज चुकाकर CCD को कई अरब डॉलर की कंपनी बनाना है। वो अपने दिवंगत पति के नक्शे कदम पर चलते हुए और उनके सपने को पूरा करते हुए कैफे कॉफी को देश के कोने कोने तक पहुँचाने की कोशिश में जुट गई है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोटिस।